जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट जो नोट्स है सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम में जो पूछता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे जो कनेक्शन हम लोग क्या जो पाइप लगाते हैं वो पाइप सीरीज में हो सकता है, सीरीज मतलब एक के बाद एक पाइप लगता है वो सीरीज बोलते हैं, और पैरेलल मतलब एक ऊपर है एक उसके नीचे है, ये पाइप मतलब उसके नीचे है, तीसरा पाइप उसके नीचे है, ये क्या है पैरेलल है। सीरीज मतलब लिक्विड जा रहा है सीरीज में, ठीक है, ये पैरेलल मतलब ये पाइप है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबका क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन जो है सबका क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, तो जब लिक्विड इसमें इंटर करेगा तो उसमें क्या डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अगर हम लोग पाइप सीरीज में जोड़ दिए तो कंफ्यूज रहता है कि पैरेलल मतलब डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा या डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूं कैसे करना है। ये पाइप क्या है, सीरीज में है, और सीरीज में क्या मान लीजिए यहाँ पर कट मार देते हैं, यहाँ भी कट मार देते हैं, यहाँ भी कट मार देते हैं, तो अब क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा यह सेम होगा, फिर जो यहाँ भी कट मारेंगे तो सेम होगा, फिर यहाँ कट मारेंगे सेम होगा, डिस्चार्ज सेम होगा। ठीक है, तो ये होता है सीरीज में क्या होगा, डिस्चार्ज आपका सेम रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, और हीट लॉस जो हीट लॉस होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम पाइप को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसका जस्ट अपोजिट एक याद कर लीजिए कि जो सीरीज में होता है उसमें क्या डिस्चार्ज सेम रहता है, डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है, और पाइप पैरेलल में होगा तो डिस्चार्ज डिफरेंट रहेगा और हीट लॉस कॉन्स्टेंट रहेगा। हो गया ये। अब देखिए ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पाइप में, मान लीजिए पाइप है उसमें क्या लिक्विड जा रहा है, ठीक है, लिक्विड जा रहा है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दो चीज इसमें आता है। तो इसमें देखिए क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या हुआ कि जो लिक्विड है उसका जो कॉन्टेक्ट ऑफ पार्टिकल्स है वो शियर मतलब या सरफेस पर क्या है ज्यादा है, तो फोर्स भी ज्यादा सरफेस को लगेगा, लेकिन जो पाइप जो मैंने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये सेंटर में है वो क्या है ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे और ऊपर पार्टिकल्स है लिक्विड के जैसे ये सर्कुलर क्या है पाइप है, तो इसके सेंटर में क्या है लिक्विड का कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन साइड में क्या है इसका वाल है पाइप जैसे पाइप है, तो पाइप क्या करेगा उसको रोकेगा। उसी तरह मतलब हो गया बता दिए, और वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम होगा सेंटर पे और मिनिमम होगा एड्स पे। ठीक है, वही मैं लिखा हूं, मैक्सिमम कितना होगा सेंटर पे और मिनिमम एड्स पे। लेकिन अब एक और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए, 3/2 एवरेज वेलोसिटी, 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, 3/2 एवरेज वेलोसिटी। अब क्या होगा, शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जो शियर फोर्स होगा वो कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लीनियर, ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें फोर्स कहां ज्यादा लगेगा, फोर्स इसका जस्ट अपोजिट जो वेलोसिटी है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मैक्सिमम एड्स पे और मिनिमम सेंटर पे होगा। ठीक है, एक याद कर लीजिए क्वेश्चन, जैसे सीरीज में याद कर लीजिए तो कांस्टेंट ये पैरेलल याद हो जाएगा, वेलोसिटी याद कर दिए तो ये शियर फोर्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी आप सोचिए कि जो लिक्विड में जो पाइप में लिक्विड जा रहा है वो सेंटर पे उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो फ्री जा रहा है। ठीक है, तो जाएगा तो क्या ज्यादा फोर्स मतलब उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिसको वाल पे है उस पे क्या फोर्स लग रहा है जो लिक्विड पार्टिकल्स है उसको रोक रहा है, तो ये क्या मिनिमम होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगा सेंटर पे और मिनिमम एड्स पे। ठीक है, आइए अब हम लोग सेफ फैक्टर देखते हैं, सेफ फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बाई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सेफ फैक्टर का एक और फॉर्मूला है लोड फैक्टर बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लोड फैक्टर क्या होता है, अल्टीमेट या कोलैप्स लोड बाई वर्किंग लोड। ठीक है, और जो सेफ फैक्टर है उसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1। ठीक है, रेक्टेंगुलर चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर का सेफ फैक्टर कितना है 1.5, डायमंड का 2, सर्कुलर सॉलिड का 1.69,
ट्रायंगल का 2.34, हॉलो सर्कल का 1.27, आई सेक्शन का 1.12, टी सेक्शन का 1.9 से 1.95। ये इसको वैल्यू आप इसलिए करना है कि सेल्फ फैक्टर में कुछ देता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो वैल्यू हम लोग पता लगा तो लगाएंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सेल्फ फैक्टर सबसे अधिक किसका होता है, मैक्सिमम ट्रायंगल का मैक्सिमम होता है, और मिनिमम मिनिमम देखिए किसका होता है, मिनिमम आपका किसका होगा 1.9 है, 1.5 है, ये कितना है मिनिमम ये होगा, ठीक है। अब हम लोग जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। थर्ड नंबर इक्वल टू कितना होता है, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। वेबर नंबर इक्वल टू क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। मैक नंबर इक्वल टू कितना होता है, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। इसका मेरे पास जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है, जबरदस्त। देखिए सब में इनर्शिया कॉमन है, इनर्शिया फोर्स सब में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब मैंने कंफ्यूज आता है कौन सा होगा इसमें, तो जैसे प्रॉड है तो क्या ग्रेविटी क्या होगा, प्रॉड है, कभी गिर जाता है पेन तो ग्रेविटी क्या है, प्रॉड है, कुछ भी गिर जाता है नीचे तो क्या है, ग्रेविटी हमारा क्या है, प्रॉड है, ग्रेविटी प्रॉड है, प्रॉड है, ठीक है, ग्रेविटी क्या है, प्रॉड है। अब देखिए वेव, वेव मतलब क्या होता है, जो हम लोग वेव मतलब नेटिव हुआ है, वेव सीरीज देखते हैं हम लोग, और वेव सीरीज देखकर क्या होता है, हम लोग का टेंशन बढ़ता है, ठीक है, वेव सीरीज देखकर क्या होता है, हम लोग का टेंशन बढ़ता है। तो वेव से पहले लेगा टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, वेव से क्या होगा, सरफेस टेंशन हम लोग बढ़ेगा, टेंशन बढ़ता है, ठीक है। मैक नंबर का, अब मैक नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स का पेन आता है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का पेन आता है वो क्या होता है, विस्कस होता है, ठीक है, विस्कस होता है। रेनॉल्ड्स नंबर का जो पेन आता है, जो हम लोग पेन लिखते हैं, हम लोग ये याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर का जो पेन आता है रेनॉल्ड्स का, तो वो क्या विस्कस रहता है, विस्कस रहता है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का क्या होता है, विस्कस रहता है। तो विस्कस भी हो गया और ग्रेविटी भी हुआ, सरफेस टेंशन हो गया, लास्ट एक बचा मैक नंबर इलास्टिक। मैक क्या है, इलास्टिक होता है, जो मैक जो हम लोग बोलते हैं मैक से, वो क्या है, इलास्टिक है, बहुत लोग खींची रहा है, जैसे मेरे पास मैक है तो ये क्या है, इलास्टिक है, ये मैक क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्रॉड क्या है, इनर्शिया टू ग्रेविटी, वेव क्या है, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन, और मैक नंबर इनर्शिया फोर्स इलास्टिक फोर्स, ओके। अब हम लोग जो आरसीसी का जो कॉलम थ्योरी है, यूलर ने जो कॉलम थ्योरी दिया था जो लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, और रैंकाइन थ्योरी दिया था वो भी लॉन्ग के लिए वैलिड है, लेकिन जो यूलर था वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए वैलिड था। इसका हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, यूलर थ्योरी ने जो बोला था, पहले जो ये जो यूलर लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो किसको किसको डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ मटेरियल, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन और लेटरल डायमेंशन इन रेस्ट्रेंट कंडीशन। ये तीनों जो बात लिखा है इसका एसएससी जेई 2022 में इस क्वेश्चन को दिया था, मतलब इसमें आपका 1, 2, 3 करके और पूछा था कौन सा इसमें डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, यूलर कॉलम थ्योरी जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तीन तो था एक उपचारना था, ठीक है, ये इस पर क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो हो गया। अब जो लोड करेंगे कैपेसिटी पी इक्वल टू होता है लोड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूला है जो लोड करेंगे कैपेसिटी निकालने के लिए, अभी हम मैं बताऊंगा। ये डिपेंड करता है आपका इन रेस्टेंट कंडीशन, मतलब जो इन रेस्टेंट कंडीशन में तुरंत बताऊंगा अभी, और जो क्रिटिकल स्ट्रेस है, क्रिटिकल स्ट्रेस तो सी आर पाई स्क्वायर ई बाई लेमडा का स्क्वायर। एक बार मैंने एसएससी क्विज में इस बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर लेमडा का वैल्यू डिक्रीज कीजिएगा, अगर लेमडा डिक्रीज होगा, लेमडा समझते हैं ना, सिलेंडर रेशियो एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम जो होता है, तो अगर वो क्या, अगर सिलेंडर रेशियो का वैल्यू डिक्रीज कर दें तो क्रिटिकल स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये डेनोमिनेटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब ये बढ़ेगा
जब ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर स्लेनेस रेशियो का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल स्ट्रेस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अब मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला, अब ये जो मैं बताया अभी किस पर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्टेड कंडीशन पर, जैसे अगर एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा ये भी फॉर्मूला पूछता है आपका, ठीक है। बोथ इंड अगर आपका हिंज हो, मतलब दो हिंज होता है सपोर्ट, जैसे ये एक सपोर्ट है और दूसरा ये सपोर्ट है, ठीक है। कॉलम में जैसे बीम में क्या होता है, दोनों सपोर्ट अगर ये बीम है और दोनों सपोर्ट कॉलम से है, कॉलम में हो सकता है आपका ब्रिज में भी हो सकता है, ठीक है। अगर बोथ इंड हिंज हो तो एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो, एल होगा। बोथ इंड हिंज हो, अगर बोथ इंड फिक्स हो तो एल इफेक्टिव का कितना वैल्यू हो जाएगा, एल बाई टू। अगर वन इंड फिक्स अदर इज हिंज, एल इफेक्टिव का वैल्यू एल बाई अंडर रूट टू। वन इंड फिक्स अदर इज फ्री, एल इफेक्टिव इक्वल टू टू एल। इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जैसे बोथ इंड हिंज, हिंज मतलब क्या है, जैसे कि ये हिंज है, जैसे ये एक सपोर्ट है एक सपोर्ट है, तो हिंज मतलब जब लोड लगेगा तो ये भी हिल जाएगा ये भी हिल जाएगा, मतलब दोनों हिल जा रहा है, ठीक है। तो उसका वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक क्या है, दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है तो उसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, इस पर लोड लगेगा तो कितना होगा, हाफ हो जाएगा। और वन एंड फिक्स अदर इज हिंज, और वन एंड फिक्स अदर इज फ्री, मैंने ये फोर्स क्या है, ये एक इंड मतलब एक इंड है और एक फ्री है, ठीक है। जैसे कैंटिलीवर केस में होता है, तो एक इंड फिक्स हो अदर इंड फ्री हो तो इक्वल इसका मैंने क्या होगा, डिफ्लेक्शन पूरा एक सर्किल हो जाएगा। तो अगर ये अगर एल है तो ये भी तो सर्किल बनेगा तो एल हो जाएगा, तो टू एल हो जाता है, मैं बता दिया। अगर वन इंड फिक्स हो अदर इंड फ्री हो तो टू एल होगा, वन इंड फिक्स अदर इज हिंज तो उसका वैल्यू एल बाई अंडर रूट टू होता है, एक याद कर लीजिए बस। अगर बोथ इन फिक्स है तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, अगर बोथ इन फिक्स हो तो हाफ हो जाएगा। अगर बोथ इन वन इन फिक्स अदर इज फ्री तो एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू एल। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि लोड करेंगे कैपेसिटी बताइए, कि अगर वन इन फिक्स अदर इज फ्री तो एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या है, टू एल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, फोर एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर वही बोथ इन फिक्स पूछेगा तो एल एल बाई अगर एल बाई टू रखेंगे इसमें तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव, मैं इस केस के लिए बता रहा हूँ, एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये फोर है ऊपर फोर स्क्वायर जाएगा कितना हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, जो पूछेगा कंडीशन दे देगा आपका फॉर्मूला पे पूछ देगा कि लोड करने की कैपेसिटी निकालिए क्या होगा, ओके। अब पॉइजन रेशियो को हम लोग देखते हैं क्या होता है, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेस। पॉइजन रेशियो को क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेस। पॉइजन रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, जो इसका वैल्यू है 0 से 0.5 होता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो का वैल्यू जैसे जैसे पॉइजन रेशियो कंक्रीट का वैल्यू इंक्रीज करता है विद रिचर मिक्स, पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद रिचर मिक्स, ठीक है। कॉर्ड के लिए वैल्यू कितना होता है, 0, कॉर्ड के लिए वैल्यू 0, कंक्रीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ चुका है एसएससी में 2020 या 2022 में पूछा है, ठीक है, 20 या 21 में, ठीक है। कंक्रीट वैल्यू कितना होता है, 0.1 से 0.2, कंक्रीट 0.1 से 0.2, एल्यूमिनियम का वैल्यू 0.33, कास्ट आयरन का वैल्यू 0.2 से 0.3, और स्टील का 0.27 से 0.3, और परफेक्टली इलास्टिक रबर का कितना होता है, 0.5। ये आपका पॉइजन रेशियो है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हम लोग शियर मॉडुलस क्या होता है, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। इस बार 2022 एसएससी जेई 2022 इस बार पूछा था कि शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, खाली फॉर्मूला पूछ दिया था शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है, मैं
एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर पूछा है और संभवतः आगे वाले एग्जाम में पूछे, ठीक है? ऐसा मैं ट्राई करूंगा, ठीक है? शियर मॉडुलस क्या होता है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेंथ टू शियर स्ट्रेंथ, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस, नॉर्मल कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस टू नॉर्मल और कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और मॉडुलस इलास्टिसिटी कितने के लिए वैलिड है विद इलास्टिक लिमिट, ये भी क्वेश्चन पूछा है एक बार कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस किसके अंदर वैलिड है विद इलास्टिक लिमिट। प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली रिजिड मटेरियल है और प्रैक्टिकली इलास्टिक मटेरियल है, जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है उसके लिए वैल्यू जीरो और परफेक्टली रिजिड मटेरियल है तो उसका वैल्यू इनफिनाइट। ये क्या है रिजिड, देखिए ये आर है ना, अगर हम इसको धीरे धीरे ऐसे कर दें तो क्या इनफिनाइट जैसे बन जाएगा, मुझे कैसे भी याद करना है, ठीक है? तो आप लोग ट्राई कीजिए, तो ट्रिक के साथ हमेशा याद कीजिएगा तो क्या लंबे समय तक याद रहता है। फॉर परफेक्टली रिजिड मटेरियल के लिए क्या होगा, ये आपका वैल्यू इनफिनाइट और परफेक्टली प्लास्टिक के लिए जीरो। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप कन्फर्म रहता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये भी जेई में 22 पूछा था लेकिन दूसरे शिफ्ट में पूछा था, माइल्ड स्टील के लिए और एचएसटी बार के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, 2.1×10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और टिम्बर के लिए कितना होता है, 0.52×1×10⁴ न्यूटन पर एमएम, 10⁴ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये वैल्यू है कुछ याद करने के लिए और ये जो भी है इंपॉर्टेंट है। देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज विद प्रेशर। ये बल्क मॉडुलस क्या है, जो प्रेशर का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर बल्क मॉडुलस डिक्रीज करेगा तो भी प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, ठीक है? अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी और ये बल्क मॉडुलस के, और एक म्यू में पढ़ा, चार क्वेश्चन पढ़ा हम लोग भी, अभी चार क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें अब हम लोग रिलेशन देखेंगे, ठीक है? किसका रिलेशन किससे है, हम ई जी और के में जो रिलेशन है ई इक्वल टू कितना होता है, ई इक्वल टू 2g 1+μ, ई इक्वल टू 2g 1+μ, ई इक्वल टू 3k 1-2μ, ई इक्वल टू 9kg/3k+g, और म्यू इक्वल टू क्या होता है, 3k-2g 6k+2g। ये सब रिलेशन बनाया गया है, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने क्वेश्चन पूछता है एसएससी वाला, एक रिलेशन म्यू ये पॉइजन रेशियो से पूछा था, और इसमें कौन सा कांस्टेंट है जी और के, क्वेश्चन था इफ जी बराबर के, अगर जी और के बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ दिए जी रख दी कितना होगा 3g-2g/ ये कितना 6g+2g, ये कितना हो जाएगा 3g में से 2g जाएगा था 1g और 6g+2g 8g, तो g कट जाएगा कितना जाएगा 1/8। ये पूछा था म्यू का वैल्यू अगर g इक्वल टू k हो जाए तो 1/8 होगा, 1/8 हम कर सकते हैं 0.125, 1/8 को भाग लेंगे ना, 1/8 को 0.01820 10 में से 6 जगह 4 0 8 5 40 तो 0.125 होगा, 125। अगर म्यू का वैल्यू 1/μ का वैल्यू क्या होगा, अगर g इक्वल टू k हो जाए तो कितना होगा 1/8, 1/8 को कितने लिख सकते हैं 0.125। इसके एक क्वेश्चन मैंने किसी ईयर में पूछा था, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि म्यू का वैल्यू अगर g इक्वल टू k कर दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। ये रिलेशन याद कर लीजिए पहले, e = 2g 1+μ, e = 3k 1-2μ, e = 9kg 3g 3k+g। ये हम लोग शियर स्ट्रेस बीम में किस तरह का होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है? रेक्टेंगुलर में शियर स्ट्रेस पैराबोला, सर्कल में पैराबोला,
और ये जो सेंटर दो दिया हुआ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। एक बार मैं ऐसा मैंने बताया था कहा, जब हमारा पाइप का पाइप फ्लो हो रहा था और पाइप फ्लो में जब मैं वेलोसिटी या शियर, वेलोसिटी शियर तो क्या होता है, शियर आपका वाल पे ज्यादा रहता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम। ऐसे में बताया था जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स था तब वेलोसिटी डिस्ट बताया था तब था, लेकिन बहरहाल शियर स्ट्रेस इन बीम में जो रेक्टेंगुलर होगा उसमें पैराबोला, सर्कुलर में पैराबोला, ट्रायंगल में भी पैराबोला और डायमंड में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है इसका वैल्यू कि जो टाउ मैक्स में, टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स कितना हो जाए 3/2 टाउ एवरेज, और 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 एवरेज, और इसको क्या लिख सकते हैं 1.33, 1.33 लिख सकते हैं, 3 से 4, 3, 1, 0, 3, ठीक है, 1.33 हो जाएगा आपका सर्कल के लिए टाउ मैक्सिमम, 4/3 टाउ एवरेज, और ट्रेंगल के लिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, ये मैक्सिमम है कितना, 2/3, इसको भी 1.5 कह सकते हैं टाउ एवरेज, और इसका न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सिस से जो न्यूट्रल एक्सिस से जो मैंने टाउ एवरेज निकालना होगा वो कितना हो जाएगा 4/3 टाउ एवरेज, और डायमंड का न्यूट्रल एक्सिस से टाउ मैक्स इक्वल टू 9/8 टाउ एवरेज। आइए हम लोग आरसीसी का जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन था स्ट्रट क्या है, ये कंप्रेसर मेंबर है कैरिंग कंप्रेसिव लोड प्रीडोमिनेंटली, ठीक है, और रेक्टेंगुलर कॉलम स्क्वायर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना होता है, ये स्क्वायर कॉलम हो गया, ये क्या है रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम, तो मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना होना चाहिए, मिनिमम 4, मिनिमम कितना होता है 4, और इन सर्कुलर कॉलम मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना होगा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेइंफोर्समेंट अलोंग पेरिफेरी ऑफ कॉलम नॉट ग्रेटर देन 300, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग चार मैंने क्या ए स्क्वायर है और चार रॉड लगा, चार क्या रॉड लगा दिए लॉन्गिट्यूडिनली, तो जो जो इसका स्पेसिंग है ना, इसका स्पेसिंग वो 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो स्पेसिंग है इसका भी स्पेसिंग होगा, हर मैंने जितना भी रॉड है सबका स्पेसिंग होगा, तो ये बोलता है कि मिनिमम 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट कॉलम इज 5% मोर देन टाई कॉलम, टाई कॉलम क्या होता है, और टाई कॉलम और टाई कॉलम और हेलिकल एनफोर्समेंट कॉलम क्या होता है, टाई कॉलम में क्या होता है आपका जो स्टीरअप लगता है सीधा सीधा लग जाएगा, स्टीरअप सीधा सीधा लग जाएगा, ये कॉलम है हम स्टीरअप लगाते हैं, ये स्टीरअप लगाते हैं, और लेकिन ये जो हेलिकल एनफोर्समेंट का होता है ये आपका कॉलम हो गया, रॉड भी लग गया, तो जो रिंग लगाएंगे ना वो ऐसे लगाएंगे, हेलिकली लगाएंगे, ठीक है, तो इन दोनों में मजबूत कौन सा होगा, ये कितना होगा 0.5, ये क्या होगा 0.5 कम होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या होता है, ये रॉड क्या ज्यादा ज्यादा रॉड यूज हो रहा है, इसमें जो टाई खाली टाई यूज हो रहा है तो ये कम है, इसमें स्पेसिंग भी देख रहे हैं आप क्या है ज्यादा है, इसमें स्पेसिंग भी कम पड़ता है, इसलिए जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है इसका स्पाइरल क्या बोलते हैं, हेलिकली बोलते हैं, स्पाइरली बोलते हैं, क्या होता है 5% मोर होता है, मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेइंफोर्समेंट इन कॉलम। जैसे कि एक कॉलम एग्जाम्पल लेता हूं मैं, स्क्वायर कॉलम है उसमें मैं चार रॉड लगा दिया, पांच लगा दिया, छह लगा दिया, कितना लगाऊ रॉड में रॉड लगा दू उसका कितना IS 456 जो है वो कितना बोला है, जो मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेइंफोर्समेंट इन कॉलम, जो मिनिमम एरिया होगा आपका कॉलम का रोड जो लगा रहे हैं आप वो कितना 0.8 से
कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एरिया मान लीजिए ये बी है और ये डी है, तो और दोनों का एरिया निकाले और ये जो रॉड लगा हुआ है तो ये 0.8 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, वही मैक्सिमम कितना होता है 6 कैसे याद करना है आपको, सी ओ एल यू एम एन, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है तो कॉलम है ना, और मैक्सिमम वर्ड कितना है कॉलम में 6, तो मैंने 6 कर दिया इसको याद करने के लिए। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम 6% बीडी, और मिनिमम बार इन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम कितना डाया, कितना मिनिमम डाया यानी दीजिए मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम 12 mm, ठीक है। अब जो मिनिमम इनसेंट्रिसिटी इन कॉलम क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500 और लीस्ट लेटर डायमेंशन 30, वो दोनों को ऐड करके और जो 20 से कंपेयर करेंगे और जो वैल्यू मैक्सिमम आएगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन कॉलम होगा। मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन कॉलम कितना है, अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30 और उसको कंपेयर करेंगे 20 से, जो वैल्यू बड़ा होगा वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगा। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कितना होगा, 0.5 लीस्ट लेटर डायमेंशन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कितना होगा, 0.5 लीस्ट लेटर डायमेंशन। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल स्टील नॉट लेस देन 0.87 बाई ES प्लस 0.002, और यही वैल्यू यहाँ लिखा है 0.002 बाई FY बाई 1.115 ES। क्या होता है कि 1 बाई कितना है 1.115 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.87 आ जाता है, वही वैल्यू यहाँ लिखा गया है। एक बार ऐसे करके पूछ दिया था, एक बार ऐसे करके पूछा है, पूछो ना भाई, पूछो जरा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल स्टील 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002 और 0.002 प्लस FY बाई 1.15 ES। जो आरसीसी का बेस जो होता है, आरसीसी जैसे होता है ना, उसका बेस जो कॉन्सेप्ट है इस बोर्ड पर मैं लिखे हैं, ठीक है। मैंने क्या है, फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ऑल कंक्रीट इज लिमिटेड टू 0.002। इसमें जितना बात लिखा है सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ही है। आप तो स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। अब क्या है कि एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं सब याद लिखा हूँ, ठीक है। फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम और भी एग्जाम में पूछा है, अरबी में पूछा था ये क्वेश्चन, इसमें से था ये कि पैराबोलिक किसके ऊपर होता है, अबव न्यूट्रल एक्सिस कितना क्या होता है और बिलो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। कंफ्यूज करने के ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जितना मैं क्वेश्चन को लिखा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, इसको मैं समझता हूँ। पहले फॉर एक्सेलरेटेड कॉलम मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन ऑल कंक्रीट फाइबर इज लिमिटेड टू 0.002 और मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन कितना 0.0035 अंडर बेंडिंग। इसमें और इसमें अंतर यही है, देखिए क्या कि जो आपका मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछता है, ठीक है। इसमें क्या है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछता है, दोनों में कंफ्यूज करने के लिए, ताकि सब सेम है। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है पूछ देगा और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ देगा, तो कंफ्यूज रहते हैं लोग इसमें क्या होगा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेटेड कॉलम होगा और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछेगा तो 0.002 और मैक्सिमम स्ट्रेन पूछेगा तो 0.0035 अंडर बेंडिंग और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज एज्यूम एज रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक।
रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक एज्यूम करते हैं और कहां से कहां तक करते हैं? रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक जीरो से जीरो है, जीरो से पॉइंट डबल जीरो टू क्या है पैराबोलिक, और पॉइंट डबल जीरो टू पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव क्या है रेक्टेंगल, ठीक है। अब क्या है जो ये वैल्यू है क्या है पैराबोलिक है, ये लीनियर है, जो सबसे ऊपर वैल्यू है उसको मैं एफ सी के लिख दिया, कैसी के स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उसको मैं जब कुछ फैक्टर से पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के मल्टीप्लाई किया, अब उसको भी कम करने के लिए मैं क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर 1.5 से डिवाइड करके 0.45 से एफ सी के, यही हम लोग डिजाइन करने के लिए लेते हैं। और ये पूछता है क्वेश्चन कि पैराबोलिक न्यूट्रल एक्सिस से अबव बनता है और बिलो न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर बनता है, इसको क्या हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे ऐसे ऐसे कर देंगे, तो ये कैसे बनेगा देखिए, ये कैसे बनेगा शिफ्ट करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे कुछ बनेगा। तो ये क्या है इसी का फॉर्म है, अभी क्या होता है भूल जाते हैं, तो हम लोग एक और मैं बना डायग्राम बनाऊंगा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस कर्व में, दोनों में कंफ्यूज ये रहता है कि किस में पॉइंट डबल जीरो टू रहेगा पॉइंट डबल जीरो थ्री का किस में रहेगा। तो यहाँ से तो जो जितना पॉइंट लिखा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम लिखते हैं रेक्टेंगुलर बीम का, ठीक है। स्ट्रेस तो पैराबोलिक और ये रेक्टेंगुलर मैंने अभी बताया था, और ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इस बार एसएससी में एसएससी जेई जेई तो सही लिखो 2022 ये तो हम जानते हैं 0.42 था, लेकिन क्या ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछ लिया था हम लोग से इस बार, तो कंफ्यूज हो गए थे हम लोग क्या मारा इसको, तो 4.2 तो याद था कि 4.2 होता है, लेकिन 3.7 देखे तो इसको क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ। ऐसे ये क्या है डिस्टेंस होता है एक्सिव लिमिट, एक्सिव का वैल्यू है 0.42 और इसका वैल्यू 0.57 हो सके, तो अगले बार ये कुछ देर 4/7 एक्सिव होता है, 3/7 तो याद कर लिया। अब मुझे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा, तो क्या मैं करूंगा कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड को इक्वल कर दूंगा, तो टेंशन साइड कितना 0.87 FY AST और कंप्रेशन साइड 0.36 FC KBFCU, या एक्स का वैल्यू 0.87 FY AST / 0.36 FC KB, ठीक है। स्ट्रेस सर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये भी है 0.445 FC KB लेते हैं, यही एक्सयू लिमिट एक्सयू मतलब पूरा एक्सयू है, अगर 0.57 एक्सयू और 0.42 का ऐड करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा ये,